हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चिकन की रेसिपी लेकर आई हूं, जो है मास्टर चिकन या फिर सरसों मसाला चिकन। इसे बनाना बहुत इजी है और साथ ही में बहुत कम इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट मैं इन मेजरिंग कप और स्पून की हेल्प से की हूँ। सरसों मसाला चिकन बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 3 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, 2 टीस्पून येलो मस्टर्ड सीड्स या फिर सरसों के दाने, 3 हरी मिर्चें और मुट्ठी भर लहसुन। इन सब का हम एक पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे ब्लेंड करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे मस्टर्ड सीड्स या फिर सरसों के दाने को ग्राइंड करके एक पाउडर प्रिपेयर कर ली हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे ये सारे लहसुन, साथ ही में इसमें डालेंगे हरी मिर्चें इस तरह से बीच में से तोड़ के। आप चाहें तो हरी मिर्चें ज्यादा भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और साथ ही में थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ब्लेंड करके एक पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ हमारा पेस्ट बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होकर रेडी है। अब चलते हैं चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे 1 kg चिकन को अच्छे से धो के ली हूँ। चिकन में सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप फ्रेश दही। दही को डालने से पहले अच्छी तरह से एक बार फेंट लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में स्वाद के हिसाब से नमक। अब जो पेस्ट हमने प्रिपेयर करके रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे। अभी सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला चिकन के साथ अच्छे से कोट हो सके। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसे 30 मिनट्स के लिए साइड करके रख लेंगे अच्छे से मैरिनेट होने के लिए। चिकन को मैरिनेट हुए 30 मिनट्स हो चुका है तो अब हम गैस में एक कढ़ाई चढ़ा के उसमें 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब यहाँ पे मैं ली हूँ 1 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे स्लाइस करके इसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज कलर चेंज होके हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। यहाँ पे देखिए प्याज हमारा फ्राई होके हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है तो अब इसी स्टेज में हम मैरिनेटेड किए हुए चिकन को डालेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका लिड बंद करके मीडियम फ्लेम में चिकन अच्छी तरह से कुक होने तक इसको पकाएंगे। ध्यान रखिए बीच बीच में इसे चलाते जरूर रहिएगा। अगर चिकन में से पानी ज्यादा रिलीज नहीं हो रहा है और चिकन को पकाने के लिए पानी की जरूरत लगे तो आप हल्का सा पानी इसमें डाल सकते हैं। कुछ मिनटों के लिए चिकन को इसी तरह से कुक कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए चिकन हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। यहाँ पे इसकी ग्रेवी भी देखिए कितना थिक हो चुका है। इसी टाइम पे आप ग्रेवी टेस्ट करके नमक एडजस्ट कर सकते हैं और अगर नमक आपको कम लगे थोड़ा सा इसी टाइम पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 3 हरी मिर्चें को बीच में से इस तरह से स्लिट करके ली हूँ। इसे हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। मिक्स करेंगे ग्रेवी को अच्छे से। गैस की फ्लेम को इस टाइम में हम लो कर लेंगे और फिर इसका कवर बंद करके लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। 5 मिनट हो चुका है तो अब हम ढक्कन खोल के चिकन को चेक कर लेंगे और यहाँ पे देखिए चिकन हमारा बहुत ही बढ़िया से कुक हो चुका है और ग्रेवी में से तेल भी ऊज आउट हो चुका है। एक बार इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और हो गया हमारा सरसों वाला चिकन एकदम से रेडी। है ना, ये बहुत ही इजी रेसिपी। अब चलते हैं मस्टर्ड चिकन या फिर सरसों मसाला चिकन को सर्व कर लेते हैं। इस डिश को आप स्टीम राइस के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए और आपका लंच एकदम से सॉर्टेड है, किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है आपको। और यहाँ देखिए इसकी ग्रेवी दिख रही है ना, ये बहुत ही डिलीशियस, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी नए नए रेसिपीज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।